अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आपके लिए कोरमा स्टाइल आलू गोश्त। उसके लिए 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और उसमें जो है मैं डाल रही हूँ ऑयल जो है इसमें ज़्यादा जाएगा। जब आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा है तो आप उसमें से निकाल लीजिएगा और इसको प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन करना है। तो चलें, जब तक ये गोल्डन ब्राउन होती है फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, प्याज जो फ्राई करी थी वो मैंने निकाल ली है। अब इसमें थोड़ा से मैं साबुत गरम मसाले डाल ली हूँ, 2-3 लौंगे हैं, 4-5 काले मिर्चे हैं और 2 छोटी इलायचियाँ हैं। ये डाल के थोड़ा सा इसको हम जो है कड़कड़ाएँगे। और ये जो प्याज मैंने फ्राई करी थी ये इसमें हम डाल देंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर जो है वो 2 हैं दरमियाने साइज़ के, ये गए इसमें और ये प्याज गिर गई, इसको उठा लें। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी दही, 1-2 और ये 3 टेबलस्पून जो है ये दही किया। अब इन सबको जो है मैं साथ ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, ये गोश्त मेरे पास बॉईल करा हुआ रखा होता है तो इसमें जो है ये मैं गोश्त डाल रही हूँ और साथ में इसके जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। और गोश्त को हम इसमें फ्राई करेंगे। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी कुछ सूखे मसाले, जिसमें 1/2 चम्मच हल्दी है, नमक हसबे ज़रूरत है, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है, देगी मिर्च 1/2 चाय का चम्मच है। ये सब साथ जाएंगे इसमें और इनको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, जो मसाला मैंने पीसा था वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, दही, प्याज और टमाटर, ये अब इसमें मिक्स करके इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। सालन जो है ये बिल्कुल भुनने पे आ गया है और अब इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी कोरमा मसाला थोड़ा सा, 2 ये टीस्पून के करीब, ये क्या, और इसको हम भूनेंगे। बस अब इसमें फिर मैं आलू डाल दूँगी। गोश्त मैंने निकाल लिया क्योंकि गोश्त गला हुआ था, गोश्त की मैंने इसके साथ भुनाई कर दी थी तो अब मैंने गोश्त निकाल लिया। अब मैं डालूँगी आलू इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कोरमा मसाला डालते ही। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए और मैं इनको जो है दम पे रख दूँगी गलने के लिए। हाँ जी, तो ये कोरमा बिल्कुल रेडी है। इसमें आखिर में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी। और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको और रेसिपी आपको कैसे लगी। पसंद आए थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।